हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से खेलने वाले क्लास वन फोर। वीडियो शुरू करने के पहले आप सब सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। अब चलो तो तुम लोगों को मुझे कुछ दिखाना है। हाँ ठीक है, मैं थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में आ गया और टाइटल को देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज का वीडियो में क्या बनाऊंगा। हाँ, आज एक इन्फिनिट एक्सपी फॉर्म बनाऊंगा, मॉब फॉर्म है ये। सिर्फ देखो, मैंने ऑफलाइन, रुको ऐसे नहीं दिख रहा, डाका दिया था। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बैठकर ऐसे बहुत सारा कॉम्बिनेशन माइन किया। अब आप देख ही सकते हो कि मेरे पास पूरा वन डबल स्टैक फुल ऑफ कॉबलस्टोन है। मतलब लगभग मेरे पास 3000 से भी ऊपर कॉबलस्टोन है। ठीक है, अब चलो, रात हो रहा है, पहले सो जाते हैं, कल काम में लगेंगे। ठीक है, अब चलो, मैं एक जगह सिलेक्ट कर रखा था। ओ रुको रुको रुको, देखो यहाँ का सुगर केन इतना जल्दी और इतना जल्दी उग रहा है कि इसके लिए मुझे एक स्टेज बनाना पड़ा। देखो कितना सारा सुगर केन है, मुझे कोई और ऑटोमेटिक फार्म, मतलब ऑटोमेटिक सुगरकेन फार्म बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, इससे ही मेरा काम चल जाएगा। मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो होता है और ये बहुत सारा देता है। एक बार में करीब 6 स्टैक से ऊपर देता है ये हमें। ठीक है, अब चलो दिखाता हूँ कहाँ पर मैं बनाऊंगा। ठीक है चलो, मैं इस जगह पर बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब कॉबलस्टोन लेकर आते हैं। आपसे ठीक है, इसमें स्टोन तो लेकर आ गया, लेकिन हमारा प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आया। मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर नहीं, यहाँ पर बनाऊंगा। कारण तुम लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या है। देख रहे हो, अगर साइड में इतना बड़ा जगह होगा देन हमारा मोब ग्राइंडर इस काम नहीं करेगा, इसलिए मैं तो वहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा। चलो इस ऐसे करके 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 ले जाना है लेवल 85 तक। चल, लेकिन सबसे पहले सो लेते हैं और उसके साथ ये बेड को भी उठा लेते हैं, का कारण ऊपर भी सोना पड़ेगा।
ठीक है। ठीक है चलो मैं इसको लेकर लेवल 55 सॉरी लेवल 85 तक जाता हूँ। तब तक थोड़ा सा रुकिए, लेवल 55 सॉरी 85 में जाने के बाद आता हूँ मैं। ठीक है गाइस, मैं इसको लेवल 85 तक लेके आ गया। आप यहाँ से हर साइड मतलब ये हर साइड ईट ब्लॉक करके ले जाना है। चलो ले जाते हैं। है हो गया। आप इसके साइड में बॉर्डर देना है हमें दो ब्लॉक करके, नहीं नहीं तीन ब्लॉक का, वो भी दे लेते हैं गाइस। ये हो गया। अब सबसे भयंकर का इस जगह को ऊपर से एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ठीक है मैं सब कुछ सब प्लेटफॉर्म बना के आपसे मिलता हूँ। नहीं नहीं रुको रुको, प्लेटफॉर्म बनाने के पहले मुझे एक बार नीचे जाना है। नीचे मुझे कुछ टॉर्च प्लेस करके आना है। चलो क्या मैं ये इमर्जेंसी कर पाता हूँ, ये मैं मरता हूँ। ठीक है भाई यहाँ से करता हूँ। मैं नहीं कर पाया। ठीक है ठीक है मैं और इसके साथ ज़रूरी सब कुछ लेकर आऊँगा और ऊपर जाऊँगा। ठीक है गाइस मैं मेरा सब ज़रूरी का सामान लेकर आ गया। ये सब मेरा काम में लगेगा। चलो अब इसे आपको मतलब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं। ठीक है गाइस हाँ सबसे पहले बता दो ये तो हो गया। आप तो ये देख ही सकते हो, लेकिन जस्ट कुछ ही मिनट हुआ मैं यहाँ गिर के मर गया था। यहाँ गिर के मैं मर गया था। यहाँ से एक इस प्लेटफॉर्म को बनाने के टाइम ठीक है जो है आप यहाँ पर तीन ब्लॉक हाइट का वॉल बना लेते हैं। गाइस लगता है इस गेम में थोड़ा सा खराबी आ गया, कारण मैं अभी गिर के मारा। ठीक है लेकिन वहाँ पर मेरा बेद है, वहाँ पर मैं रिस्पॉन्ड हुआ। लेकिन उसके बाद मैं देखा कि मेरे पास जितना जो सामान था मारने के बाद रिस्पॉन्ड होने के टाइम वहाँ पर मेरे साथ आ गया। हाँ गाइस कुछ तो हुआ। मैं अभी रुको पहले ऊपर चलते हैं उसके बाद दिखाता हूँ। ये रहा देखो यहाँ पर एक ब्लॉक था, मैं उसको लेने के चक्कर में नीचे गिर गया। ठीक है लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्ड होने के बाद देखो मारने के बाद क्या होना चाहिए। मेरा सब सामान ठीक है मेरा सब सामान तो नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन रिस्पॉन्ड होने के बाद वहाँ पर मेरा सब सामान मेरे पास एकदम जैसे मेरे पास था वैसे ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है
इस काम को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। हाँ ठीक है गाइस, तीन ब्लॉक का वॉल हो गया। अब चलो यहाँ पर एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो ठीक है बन गया इन्फिनिटी वाटर। यहाँ से सब साइड में एक एक कर तब यहाँ पर एक एक करके पॉकेट डालना पड़ेगा। लगता है मैं का गलत डाल दिया। ठीक है ऐसे। चलो सब सब जगह पर डालने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है सब जगह पे परफेक्टली मैं वाटर डाल लिया। अब चलो सबसे पहले तो इस इन्फिनिट वाटर सोर्स को बंद करना पड़ेगा। ठीक है अब ये सब ट्रैप डोर को लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसे ठीक है मैं लगा लगा के आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस मैंने सब ट्रैप डोर को लगा दिया। अब इसके ऊपर एक रूफ लगाना है, उसको भी लगा देते हैं। ठीक है गाइस ऊपर का छत में कंप्लीट करके आ गया। और मैं यहाँ पर ऊपर नीचे जाने के लिए एक बहुत लंबा स्टेयर का सिस्टम बनाया। और अगर मैं बाई चांस गिर जाऊँ मुझे ऐसे डैमेज ना मिले इसीलिए मैं यहाँ पर वाटर से पूरा भर दिया। और ऊपर में अब तो टॉर्च लगा कर आया हो कारण नीचे का कलेक्शन सिस्टम अभी भी तैयार नहीं है। जल्दी से आप कलेक्शन सिस्टम को तैयार करते हैं। चलो ठीक है रुको गाइस मैं तैयार करके आता हूँ। ठीक है गाइस मैं ये कलेक्शन सिस्टम को तैयार कर दिया। तो चलो अब देखते हैं ये काम ठीक से कर रहा है कि नहीं। एकदम परफेक्ट कर रहा है। ठीक है अब चलो ऊपर जाके जितना टॉर्च है सबको उठा कर ले आते हैं। मतलब इस फार्म को चालू करने के लिए। चलो ठीक है गाइस मैं ऊपर जाके इस फार्म को ऑन करके आया। और देखो यहाँ पर थोड़ा मॉब स्पॉन भी हो गया। मेरे को ये एएफके में नहीं था जस्ट मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा था और ये मॉब स्पॉन हो गया। चलो इसको मार के देखते हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि रुको 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 सर सबसे पहले सोने दो वो। चलो घर से सो के आते हैं। ठीक है गाइस जब मैं सोने के लिए गया था तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो गया। चलो आप इन लोगों को मार के देखते हैं मुझे कितना एक्सपी मिलता है। मेरे पास एक्सपी है 14 and 14 and half।
15 हो गया, कोई एफ के बिना। ठीक है, इस फार्म का एक खास बात है कि हमको रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये हमको यहाँ से सब कुछ मिलता है, गन पाउडर मिलता है, स्केलेटन का हड्डी मिलता है, रॉटन फ्लेश तो मिलता ही है, ये सब कुछ मिलता है हमें। और कैरोस भी मिलता है, कैरोस पोटैटो और समटाइम आयरन इंगट भी मिलता है। चलिए फिर से आ गया, और इसका एक फैसिलिटी कि ऊपर से आते आते मॉब्स का फॉल डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ये सब होस्टेल मॉब हो भाई 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 इन डर मैन मेयर वह जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, ये सब होस्टेल मॉब डैमेज खा के एक दो हाथ पे आ जाता है, इसीलिए सिर्फ एक शॉट का शॉट में ही ये सब मर जाता है। ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।